एवरीवन, आज का जो टॉपिक है हमारा वो फ्रैक्शन से रिलेटेड है। हम आज पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को हम किसी भी नंबर से, किसी भी डिजिट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और सेकेंडली हम देखेंगे कि कुछ फिलप्स होंगे, उसको किस तरह से हम फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले करते हैं शुरुआत अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। आपको पता है फ्रैक्शंस के बारे में, फ्रैक्शंस क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल, है ना। हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। और जिसने फ्रैक्शंस के बारे में ज़्यादा जानकारी जिसे नहीं है, वो आई बटन में जाके, लिंक दिया हुआ है मैंने, उसमें जाके पता कर सकता है, ठीक है। वो वीडियो अच्छे से देख सकते हो आप, ठीक है ना। तो हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। हमारा क्वेश्चन होगा, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को मैं n लिखूंगी। हमें पता है न्यूमरेटर को n कहते हैं और डिनोमिनेटर को क्या बोलते हैं? हम d बोलते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय 3 इन ईच टू गेट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। हमें निकालना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। तो हमें बोला गया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 3 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन ले लेते हैं अपना। हमारा क्वेश्चन है 1/5, ठीक है। अब हमें बोला गया है कि इसको, दिस इज़ कॉल्ड न्यूमरेटर, ठीक है, एंड दिस इज़ कॉल्ड डिनोमिनेटर। हमें बोला है 1 को और 5 को, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करना है? हमने 3 से। तो इन बोथ द केसेस हमें मल्टीप्लाई करना होगा 1 × 3, 5 × 3, ठीक है। 1 × 3, क्योंकि हमें 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है। इसी तरह 5 × 3 कितना हो गया? 1 × 3 = 3, 5 × 3 = 15, ठीक है। दिस इज़ आवर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यही बोला था हमें कि हमें एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। एक और सॉल्व कर लेते हैं। 3/8, 3 × 3, 8 × 3, ठीक है। 3 × 3 = 9, 8 × 3 = 24। समझ में आया इतना? एक और सम कर लेते हैं। 4/11, ठीक है। तो 4 × 3, 11 × 3। जो भी हमें यहाँ फ्रैक्शंस दिए हैं, उन सबको ऊपर भी और नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करना है हमें? 3 से। यहाँ पे अगर आपको डिजिट दिया है 5 से, तो आपको इन नंबर्स को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 दिया है तो 2 के साथ करना है। अब हमारे इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने इसे 4 × 3 = 12, 11 × 3 = 33। समझ में आया बेटा? ये बहुत ही इजी है। हमें सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक पर्टिकुलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है और हमारा आ जाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। एक अगला सम हम सॉल्व करते हैं, फिलप्स करते हैं। हमें बोला गया है फिल इन द बॉक्सेस। बॉक्स को हमें फिल करना है। 7/8 = box/56, ठीक है। ये बहुत ही ध्यान से देखना। 7/8 = box/56। अब हमें ये बॉक्स निकालना है, तो सबसे पहले देखो 8 को हम 56 जो यहाँ आया हुआ है, 8 को किस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया है कि 56 आ गया है? आपको 8 का टेबल आना, यहाँ पे हमें टेबल्स आने बहुत ज़रूरी हैं। तो 8 का टेबल हम पढ़ेंगे जब तक हमारा 56 नहीं आता, है ना। तो 8 × 7 = 56, ठीक है। 8 × 7 = कितने हैं हमारे? 56। दैट मीन्स कि 8 × 7 = 56 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमें दिया नहीं है कुछ, तो हम ये जो हमारा नंबर है इसे ऊपर लेके जाएंगे। 7 × 7 = 49,
सेवन सेवन ज़ा 49, तो हमारे बॉक्स का जो आंसर है वो है 49। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं, हमने कहा था कि 56 8 का टेबल था, 56 कब आता है, तो 8 × 7 56, दैट मीन्स हमें ये नंबर मिल गया। अब ऊपर का जो हमारा नंबर है उसे इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 7 = 49, तो हमारा ऊपर के बॉक्स का आंसर आ गया 49। क्लियर है? हम एक और सम सॉल्व कर लेते हैं ताकि और इजीली आपको समझ में आए कि हमने क्या किया है। इसको हम ब्रैकेट में अपने उसके लिए लिख सकते हैं कि हमने किया क्या है, ठीक है? मैं ऐसे ही आपको लिख के दूंगी ताकि आपको याद रहे। इसी तरह से अगर हम ये सम ले लेते हैं तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? 6 के टेबल में अब 36 कब आता है, 6 के टेबल में 36 कब आता है, 6 × 6 = 36, ठीक है? अब इस 6 को इस 3 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 6 = कितना हो गया, 18। तो यहाँ पे कितना आंसर आया हमारे बॉक्स में, 18। इसको भी आप लिख लो कि आपने क्या किया था, 3 × 6 = 6 × 6 = 18 और यहाँ आ गया 36। ये क्लियर है? ये सम बहुत क्लियर है, क्योंकि हमें और भी करना है जब हमें इधर के नंबर का नंबर नहीं दिया है, यहाँ बॉक्स खाली है, ठीक है? अब हमारा सम है 5 upon box = 15 upon 21। अब आप कहोगे मैम ये कैसे करेंगे, तो इसको भी इसी तरह से करेंगे हम। 5 के टेबल में 15 कब आता है, 5 × 3 = 15, ठीक है? अब आप कहोगे ये कैसे करेंगे, तो यहाँ देखो जो 21 है उसको हमने डिवाइड करना है। जब इधर का नंबर फाइंड आउट करना है तो 21 को हम क्या करेंगे, 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 3 के टेबल में 21 कब आता है, 7 × 3 = 21। समझ में आया इतना? देखो हमने क्या किया, जब हमें ये वाला नंबर फाइंड आउट करना है तो 5 के टेबल में देखा है कि 15 कब आता है, तो 5 × 3 = कितने हो गए, 15 हो गए, ठीक है? अब ये नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें 21 को डिवाइड करना पड़ेगा इस नंबर से जो हमारा नंबर आया है 3 से। 21 / 3 = 7, तो 7 हमारा आंसर हो गया। 5 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 15 आया। अब इस 21 को हमने डिवाइड किया 3 से इसी नंबर से, तो हमारा आंसर आया 7। तो 21 / 3 = 7 हमारा आंसर आ गया, ठीक है? एक लास्ट सम और देख लेते हैं, 3 upon box = 18 upon 24, ठीक है? अब 3 के टेबल में 18 कब आता है, 3 × 6 = 18, ठीक है? अब 24 को क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे, किससे, 6 से, ठीक है? कितना हो गया, 6 के टेबल में 24 कब आता है, 6 × 4 = 24, तो हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ, 4। 3 × 6 = 18 और 24 / 6 = 4 जो हमारे बॉक्स का आंसर है। अंडरस्टूड है ये सब? एक लास्ट सम हम करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, दूसरा बॉक्स ढूंढना है हमें, ठीक है? 13 / 14 = box upon 112, ठीक है? अब ये देखो 14 के टेबल में कब आता है, 112, 14 × 8 = 112, ठीक है? अब ये 8 मिला हमें, तो 13 × 8 करेंगे, 13 × 8 = कितने होते हैं, 104, तो हमारा बॉक्स का आंसर मिल गया, ठीक है? देखो कोई भी सम बहुत इजी होता है अगर हम उसे बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, ठीक है? तो ये याद रखना कि जब भी हम ऊपर का डिजिट जब भी हम फाइंड आउट करेंगे इसमें, तो हमें नीचे वाले जो पर्टिकुलर डिजिट आता है जिससे मल्टीप्लाई किया होता है उसी से ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि 14 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया कि 112 आया, 8 से, तो ऊपर वाले नंबर को भी 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये वाले बॉक्स का आंसर आ जाएगा। इसी तरह से जब हम इधर के करते हैं बॉक्स,
ये वाले बॉक्स को करते हैं सॉल्व, तब भी इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम नीचे के बॉक्स को सॉल्व करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। इस नंबर को उस जो आया हुआ नंबर होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बच्चों समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं एक छोटा सा आपको दो क्वेश्चंस होमवर्क में दे देती हूँ, तो जो भी उसके आंसर्स होंगे वो आप मुझे कमेंट में आंसर्स सिर्फ लिख के दोगे, ठीक है। दो छोटे छोटे सम्स दे देती हूँ मैं। तो बेटा ये आपका होमवर्क है, एक आपको ये वाले बॉक्स का आंसर निकालना है और एक आपको ये वाले बॉक्स का आंसर निकालना है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लेना, ठीक है, और बेल आइकन ज़रूर दबाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।